स्वागतमत्र भवतां सर्वेषामपि संस्कृतानुरागिणां पञ्चनवतितमे अस्मिन् व्याख्याने 95वां व्याख्यान है। संस्कृतं पठ आधुनिको भव, लर्न संस्कृत बी मॉडर्न, इस श्रृंखला का व्याख्याने अस्माभिः व्यावहारिकं संस्कृतं केन प्रकारेण पठनीयं वा अवगन्तव्यम् इति अपि च गीतायाः श्लोकमाश्रित्य अध्ययनं करिष्यते। आगच्छन्तु आरम्भे संस्कृत वाक्याभ्यासः क्रियते। संस्कृत संभाषणाभ्यासार्थम् अस्माभिः उत्तर प्रदेशस्य पुस्तकम् इदम् आधारीकृत्य किञ्चित् प्रयत्यते। व्यावहारिक संस्कृत प्रशिक्षक हमारी जो संगति है कि व्याख्यानों में हम अव्ययों का प्रयोग कर रहे हैं वाक्यों में, और उसे हम समझ रहे हैं किस प्रकार से केन प्रकारेण अस्माभिः वाक्यानि विरचनीयानि इति। यथा स्वीकारात्मक अव्यय हमने पढ़ा था, आम ओम माने हाँ, और अथ किम और क्या, बाढ़म बहुत अच्छा बढ़िया के लिए बाढ़म शब्द हम कहते हैं, तो ये स्वीकार करने के अर्थ में, एक्सेप्ट करना। और उदाहरण के लिए ये वाक्य रखा था, छात्रस्य उत्तमम प्रदर्शनम दृष्ट्वा गुरुः बाढ़म बाढ़म इति वदति। और दूसरा वाक्य रखा था, क्रीड़ा क्षेत्रे उत्तमम प्रदर्शनम दृष्ट्वा दर्शकाः बाढ़म बाढ़म इति वदन्ति, साधु साधु इति वदन्ति। साधु शब्द का भी अर्थ अच्छा होता है, बढ़िया होता है। और साधु शब्द का तो वैसे भी साधु माने अच्छा, और विशेष कहूँ तो कबीर साहब अपने हर भजन में कहते सुनो भाई साधु। यानी किसी ने पूछा कि आप अपने हर जो भजन है उसमें बाद में सुनो कहत कबीर सुनो भाई साधु, ऐसे अब साधु को क्यों कहते हैं? तो उसका उत्तर विद्वान लोग कहते हैं, अपना विद्वानों का विनोद है कि उन्होंने उत्तर दिया कि जो असाधु है उसको कहूंगा वो तो वैसे भी नहीं मानेगा, उसने तो मानना ही नहीं, तो मैं साधु को कहूँ, सज्जन को कहूँ तो वो तो कम से कम मेरी बात समझेगा और कहेगा कि हाँ ये जो कह रहे हैं वो किस तरह से कह रहे हैं। तो कहत कबीर सुनो भाई साधु, साधु साधु, बाढ़म बाढ़म, और इसके साथ भद्रम भद्रम। और भद्रम भद्रम के लिए हम लोग कई बार कहते हैं, और संस्कृत का प्रभाव क्षेत्रीय भाषाओं में कैसे है इसलिए भी हम कहते हैं, इस बात को रखते हैं कई बार कि भद्रम भद्रम अच्छा अच्छा। अब इसी को अगर मेरी मातृभाषा गुजराती काठियावाड़ी उसमें कोई कार्यक्रम हो और अच्छा अच्छा कहना हो, जैसे मुकर्रर मुकर्रर बोलते हैं, तो उसी तरह से बोलते हैं भले भले भले, ऐसे कहते हैं। भद्रम भद्रम का ही एक तरह से ध्वनि रूप है। और इसी को भांगड़ा जैसे करते हैं तो बोलते हैं पंजाब में बल्ले 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 बल्ले, तो वो भी भद्रम भद्रम से है। और अब आइए बंगाल में, और बंगाल में जब अच्छा बोलना तो भालो बोलते हैं, भालो भालो माने भद्रम भद्रम। तो ये है संस्कृत को जिसको हम कहते सभी भाषाओं की जननी, माने रूट जो ध्वनि है मूल, वो जो धातुगण हम पढ़ रहे हैं तो मूल धातु वही है, भ की साउंड है, द की है, र की है, वो कहीं र की जगह ल हो गया तो भालो भालो हो गया, और भल्ले भल्ले दो ल हो गया, आ अ हो गया तो भल्ले भल्ले बल्ले बल्ले हो गया, भ को ब बन जाता क्योंकि प फ ब ब है, और भले भले वो भी भ और ल है। और इस प्रकार से दक्षिण भारतीय भाषाओं में भी और बाकी क्षेत्रीय बोलियों में भी मूल ध्वनि केवल वर्ण व्यत्यय वर्ण विपर्यास होता है, लेकिन इस प्रकार से संस्कृत का है। तो बाढ़म बाढ़म इति वदन्ति, मोहनः पृच्छति किम मोदकम खादिष्यति, हिंदी दिया है आपके सामने, क्या लड्डू खाओगे ये। रमेशा अथ किम, ये अव्यय है, अथ और इति ये दो शब्द है जिसको हम जानते हैं। अथ आरंभ के लिए कहते हैं, अथ माने शुभ, अथ माने ओम की ध्वनि का एक पर्यायवाची अथ है, अ है और थ है, और भी बहुत इसमें अर्थ आते हैं। और इति, इति माने द एंड भी है, इति माने इसके बाद जो शुरू होता वो भी है, इति भी शुभ शब्द माना जाता है। अथ इति, अथेति मैंने कह दिया माने आरंभ से अंत तक बात कह दी, इस तरह से भी हम प्रयोग करते हैं। तो अथ किम, किम तो वैसे भी प्रोनाउन है, किम पुल्लिंग में कह कौ के, नपुंसक में किम के कहानी, और स्त्रीलिंग में का के का, ये तो हम पढ़ चुके हैं। तो अथ के साथ किम जुड़ने के बाद ये अव्यय हो जाएगा, और क्या। अब आइए नया अव्यय कति। ये कति क्या है, शब्द है, अव्यय है, और ये नित्य बहुवचनांत है। कह एक वचन हो गया,
का स्त्रीलिंग में एक वचन हो गया, किम नपुंसक में एक वचन हो गया, लेकिन जब हम कति कहेंगे, क्योंकि आगे तिस प्रत्यय से किम से कति बनता है, अव्यय बन गया। इस अव्यय में एक वचन नहीं होगा, द्विवचन नहीं होगा, बहुवचन के लिए कति जना, कति ग्रामा, कति पशवाह। उदाहरण, हस्ते कति अंगुल्यः सन्ति, हाथ में कितनी अंगुली है, हस्ते पंच अंगुल्यः सन्ति, भारते कति राज्यानि सन्ति, पृथिव्याम कति राष्ट्राणि सन्ति, इस प्रकार से उदाहरण हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। अब आइए एक और हम अव्यय लेते हैं, जैसे गणना करना हो कितना संख्या में या पदार्थ का जो है उसका करना हो, जहां गणना संभव है एक दो तीन चार, वहां तो कति शब्द प्रयोग करेंगे, लेकिन समुद्र में पानी कितना है तो पानी तो गिन नहीं सकते हैं, तो ये एक प्रकार का आकार का के रूप में हमें होगा। तो जहां गणना संभव नहीं वहां कति की जगह कियत लगाएंगे, है अव्यय ही और किम से ही बनेगा ये, किम यत कियत, अव्यय पद का प्रयोग होता। जैसे सागरे कियत जलम अस्थि, समुद्र में कितना पानी है, तो इसमें गणना नहीं है, केवल उसका आकार या वजन या उसका परिमाण कह सकते हैं। सागरे कियत जलम अस्थि, तस्य पार्श्वे कियत ज्ञानम अस्थि, ज्ञान को नापा नहीं जा सकता, केवल कहा विशेषण से बताया जा सकता, गंभीर ज्ञान, विशाल ज्ञान, उत्तम ज्ञान, विशेषण लगा सकते हैं, लेकिन भावात्मक शब्द है तो कियत, तस्य पार्श्वे कियत ज्ञानम अस्थि, तस्य मूल्यम कियत अस्थि, मूल्यम कीमत प्राइस, तो उसका भी हम कियत लगाएंगे, कियत मूल्यमिति, समुद्र में कितना जल है, उसके पास कितना ज्ञान है, उसका मूल्य कितना है। पुस्तकम कियत सुंदरम अस्ति, कितनी सुंदर, व्हाट ए फाइन बुक, व्हाट ए ऑसम बुक, ऐसा हम जब प्रयोग करते हैं तो कियत सुंदरम अस्ति पुस्तकम, कितनी सुंदर बुक है। कियत सुंदरम वनम अस्ति, कियत सुंदरम दृश्यम अस्ति, एतावन्तः प्रयोग अस्माभिः क्रियन्ते। स्थानम कियत मनोहरम अस्ति, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, तो स्थानम कियत सुंदरम अस्ति, स्थानम कियत मनोहरम अस्ति, पुस्तक कितनी कितनी सुंदर होना चाहिए। यहां मैं उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की पुस्तक के जो भी लोग हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत जगह मुद्रण की त्रुटियां हैं। अब ये पीडीएफ है तो मैं इसको बदल नहीं सकता था, करेक्शन भी नहीं कर सकता था। पुस्तक कितनी सुंदर है हिंदी में कहेंगे, स्थान कितना मनोहर है, ये त्रुटियां पुस्तक में न रहे तो अच्छा है। अब एक आइए और अव्यय है कदा, कब हिंदी में बोलते हैं, यह प्रश्नार्थक अव्यय है, कदा कब, तो इसका जब उत्तर हम देंगे तो हमेशा सप्तमी में उत्तर देंगे, कब शाम को, कब रात को, कब सुबह, कब 5 साल पहले, इस तरह से, तो सप्तमी विभक्ति आएगी, इसका उत्तर सर्वदा सप्तमी में अथवा सप्तम्यर्थ अव्यय में। यहां विभक्ति सप्तमी में ना लगी, लेकिन हम प्रातः कहेंगे तो इसका अर्थ होगा सुबह या सुबह में, जैसे बोलते हैं सुबह कहने से ही मैं आ जाता है, लेकिन सप्तमी अर्थ होगा इसमें, सायं शाम को, शाम में, इस तरह से, तो इत्यादि अव्ययों का के द्वारा इसका होता है। उदाहरण देखते हैं, कृषक कदा क्षेत्रम गच्छति, किसान कब खेत जाता है, कृषक प्रातः क्षेत्रम, सुबह सुबह किसान खेत जाता है, तो कदा प्रातः माने सुबह, आकाशवाणीतः सायं समाचारः प्रसार्यते, सिंपल, आकाशवाणी से शाम को, शाम में समाचार प्रसारित किए जाते। रमेशः कदा विद्यालयं गच्छति, उत्तर होगा रमेश कब विद्यालय जाता है, रमेशः दशवादने विद्यालयं गच्छति, रमेश 10 बजे विद्यालय जाता है। अब आपको, आपके साथ केवल एक बात कहूं कि इसमें ऊपर वाला वाक्य वो मैंने टंकित किया है और नीचे के जो 3 वाक्य है लाइन वो पीडीएफ है। अब इसीलिए मुझे करना पड़ा कि इसमें दशवादने था, तालव्य शकार की जगह दंत शकार था। अब वो मैंने पहले तो सोचा रखू, फिर बाद में सोचा मेरी आत्मा नहीं स्वीकार कर रही है, क्योंकि दश होता है, दस नहीं होता संस्कृत में, संस्कृत में दशवादने कहेंगे तो अशुद्ध माना जाएगा, तो दशवादने विद्यालय, लेकिन हिंदी में हम 10 बजे भी बोलते हैं, रमेशः दशवादने विद्यालयम गच्छति नीचे है आपके सामने, तो उसको परिष्कृत करके दशवादने हमें शुद्ध करना है। भवान कदा अल्पाहारम स्वीकरोति, भवती कदा पूजाम करोति, तो ये कदा का प्रयोग और इसका उत्तर होगा, छात्रः कदा पाठम स्मरति, शिक्षका कदा पठन्ति, छात्र कब पाठ याद करता है, शिक्षक कब पढ़ते हैं, इसका उत्तर हम कहते हैं सायं पठति, सायं स्मरति,
कदा पाठ शिक्षक कदा पठंती रात्रौ पठंती इत्यादिकम। एक और प्रत्यय ले लेते हैं आज के इस व्याख्यान में, तह। ये वास्तव में तो तस है, सकार का विसर्ग हो जाएगा। जैसे ग्राम तह, कक्षा तह, विद्यालय तह, माने विद्यालय से, गांव से, कक्षा से। तो अपादान अर्थ जिसमें पंचमी हम विभक्ति करते हैं तो वो तस लगते ही अव्यय बन जाता है। तो हम कहेंगे इसका प्रयोग जैसे है, रामः पंचवादनतः षड्वादन पर्यंतम योगासनम करोति। 5 बजे से 6 बजे तक राम योगासन करता है। तो अब इसमें हमें समय की अवधि बताना है, 5 बजे से 6 बजे तक पंचवादनतः षड्वादनम यावत्। रामः षड्वादनतः अष्टवादन पर्यंतम नित्य क्रियाम करोति। सुबह जो डेली क्रियाएं करनी है प्रातः, तो वो सुबह 6 बजे से 8 बजे तक नित्य क्रिया करता है, रूटीन काम अपना जो है वो। रामः अष्टवादनतः 10 वादन पर्यंतम स्वाध्यायम करोति। राम 10 बजे से 8 बजे से 10 बजे तक स्वाध्याय करता है। रामः 10 वादनतः 4 वादन पर्यंतम कक्षाम करोति या कक्षायाम पठति, जैसे करें 10 बजे से 4 बजे तक कक्षा में पढ़ता है। एतावत् पर्यन्तम् अस्माभिः व्यावहारिक संस्कृतस्य वा दैनन्दिन प्रयोगार्थम् उपयोगः क्रियते उपयुज्यन्ते वाक्यानि अस्माभिः, तस्य अभ्यासः कृतः अस्माभिः साम्प्रतम्। साम्प्रतम् अन्तिमे प्रकल्पे गीतायां प्रवेशं कुर्मः। तत्र गीताभ्यासेन सह संस्कृत अभ्यासम् अस्माभिः क्रियते। पूर्वं मया अत्र 26 श्लोकः पूर्वस्मिन् व्याख्याने उपस्थापितः, पाठितः, पठितश्च। अथ चैनं नित्यजातं, नित्यं वा मन्यसे मृतं, तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। और साथ ही में उसके साथ जुड़ा हुआ 27वां है 27वां श्लोक, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। साम्प्रतम् 28वां श्लोकः, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत, अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। जिस क्रम से अर्जुन को मनोवैज्ञानिक ढंग से जो बात समझाना चाहते योगेश्वर कृष्ण, उसमें पहले उन्होंने एकदम शुरू में कहा कि ना आत्मा पैदा होता है ना मरता है, और उसके बाद इसके पिछले वाले श्लोकों में मैं देखा कि चैनम नित्य जातम, हमेशा पैदा हुआ, या मृतम मरा हुआ तुम समझता है तब भी तुम इसके बारे में शोक नहीं कर सकते हो। अपरिहार्य अर्थ है, माने डेफिनेट है जन्म और मृत्यु। लेकिन अब उसको जस्टिफाई करने के लिए या उस बात को और ज्यादा फोर्सफुली बताने के लिए ये बहुत ही दार्शनिक श्लोक है, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। परिदेवना माने शिकायत या संदेह या विचिकित्सा या संशय या मन में अविश्वास का भाव होना। जो ऐसी चीज है उसमें तुम शिकायत क्यों करते हो अर्जुन? कैसे? ये भूतानि माने सब प्राणी, सब व्यक्ति जो जीव है वो अव्यक्तादीनि, उनका आदि माने बिगिनिंग अव्यक्त है। अव्यक्त माने प्रकट नहीं है, छुपा हुआ है। और व्यक्त मध्यानी, बीच में वो व्यक्त हो जाता है। हे भारत, हे अर्जुन, अव्यक्त निधनानी। अब ये निधन का एक सीधा अर्थ है, हिंदी में हम जानते हैं मृत्यु होता है, लेकिन यहां निधन के कई अर्थ हैं। तो इनका जो निधन है, इनका विलुप्त हो जाना है, वो भी अव्यक्त है, अब मैं प्रकटित नहीं है, पता नहीं है, इसलिए हम कहते कब मृत्यु आ जाए। ऐसी स्थिति में ऐसा जो हमारा पूरा क्रम है जीवन का, उसमें तत्र का परिदेवना, परिदेवनम तत्र अस्माभिः यत्किमपि कथ्यते तत्र विचिकित्सा क्रियते वा शिकायत करना, जिसको कहते हैं, संस्कृत पर्याय मुझे नहीं अभी मिल रहा है, लेकिन परिदेवना माने शिकायत, उसके बारे में असंतोष प्रकट करना। अब आइए हम इसको संधि विच्छेद और अव्यय करके बहुत शीघ्रता से इसको लेते हैं। अव्यक्त आदिनी,
तो अव्यक्तादिनी हो जाएगा, दीर्घ संधि हो गई। भूतानी व्यक्त मध्यानी समस्त पद है, भारत अव्यक्त निधनानी तत्र का परिदेवना, तो केवल एक ही संधि है अव्यक्त आदिनी में। संधि में फिर आगे अव्यक्तादिनी अव्यक्त आदिनी स्वर संधि अव्यक्त निधनान्य, वहां ये दूसरी संधि भी है, क्षमा करेंगे, अव्यक्त निधनान्येव, तो निधनानी एव, ये स्वर संधि, ये दो ही संधि है। अब अन्वय आइए करते हैं, ऑर्डर में प्रोज में रखते हैं। हे भारत हे अर्जुन भूतानी अव्यक्तादीनी व्यक्त मध्यानी अव्यक्त निधनानी एव, आगे क्रिया नहीं, ब्रैकेट में है, अध्याहार करेंगे उसको, हम मान लेंगे भवंती। अब परिदेवना तत्र का भवेत, वो भी हमने मान लिया, क्या शिकायत हो सकती है, क्योंकि वी हैव टू एक्सेप्ट जो है हार्ड फैक्ट है उसको। अब हम विश्लेषण करेंगे और शब्दों का विग्रह करेंगे। हे भारत, तीसरे स्वाध्याय में एक्सरसाइज में, भूतानी अव्यक्तादीनी व्यक्त मध्यानी अव्यक्त निधनानी एव भवंती परिदेवना तत्र का भवेत। भारत कैसे बनेगा, भारत इति तद्धितम विशेषणम पुल्लिंग में है, संबोधन प्रथमा विभक्ति एक वचन में है, भरतस्य वंशे संजाता, इसको हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं, क्योंकि भारत शब्द गीता में बार बार संबोधित करते हैं, पार्थ भारत और इस तरह से जो संबोधन करते हैं कृष्ण अर्जुन को, भरतस्य वंशे संजाता, भरत वंश में जो पैदा हुए हैं, इति भारत, भ के आको वृद्धि हो जाएगा अण प्रत्यय होने से। वन हु इज बोर्न इन द लाइनेज ऑफ भारत, भरत। भूतानी, भूत शब्द तो हम जानते हैं, माने जो हो गया, भू धातु हम पढ़ते हैं, भ्वादिगण पढ़ते हैं, तो उसमें त प्रत्यय के भूतम, बहुवचन में भूतानी, भू धातु परस्मैपदी, टू बी टू बिकम टू मैनिफेस्ट या बिकम मैनिफेस्ट कह सकते हैं, उसमें भूतकालवाचक विशेषण, भूत मीन्स व्हाट हैज बिकम मैनिफेस्ट, जो प्रकट हो गया है। बोलचाल में तो भूतम भूत पिशाच के बारे में कहते हैं, लेकिन भूत माने जो हो गया है, इसको एक बार मैंने आपके सामने रखा था कि भूत और प्रेत, जैसे भूत माने जो हो गया है कालवाची, प्रेत में भी यही अर्थ होता है, प्रइत प्रेत माने जो चला गया है लेकिन जो चला गया है, शरीर नहीं है जिसका, प्रेत अर्थ। नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन, अव्यक्तादीनी अव्यक्त आदि शब्द लगा दिया और बिगनिंग के लिए, सामासिक विशेषण नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन अव्यक्तादीन, न व्यक्तम अव्यक्तम नहीं समास हो गया, अव्यक्त आदि ही यस्य तत्, जिसका आदि अव्यक्त हो, प्रकटित न हो, जो दिखाई न दे, विजिबल ना हो, है लेकिन विजिबल नहीं है, मिस्टर इंडिया की तरह। बहुव्रीहि अथवा आदौ अव्यक्तम इति अव्यक्तादि, आदि में अव्यक्त है, मध्य में व्यक्त हो जाता है, अंत में फिर अव्यक्त हो जाता है, ऐसा भी हम मान सकते हैं। सप्तमी तत्पुरुष व्यक्तम कैसे बनेगा, वि उपसर्ग पूर्वक अंज धातु से, जो कि सप्तम गण में परस्मैपदी धातु है, टू बिकम मैनिफेस्ट, कर्म में भूतकाल वाचक विशेषण, व्यक्त माने व्हाट हैज बिकम मैनिफेस्ट, जो प्रकट हो गया है, व्यक्त हो गया है। तस्य प्रथमा विभक्ति एक वचन, आदि कैसे बनेगा, आदि बिगिनिंग या द बिगिनिंग, स्टार्ट कॉमेंसमेंट, पुल्लिंग वाची शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, आदौ ये सप्तमी विभक्ति, आदौ सप्तमी विभक्ति एक वचन हम च, आदौ जब कहेंगे तो ये आदि शब्द का रूप चलाएंगे, तो जैसे हरि का हरौ होगा तो आदौ हो जाएगा। अव्यक्त आदि व्हाट हैज नॉट बीइंग मैनिफेस्ट एज इट्स बिगनिंग, अव्यक्त आदि, व्यक्त मध्यानि व्यक्त मध्य इति सामासिकम विशेषणम, व्यक्त मध्य नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन, व्यक्त मध्य यस्य तत्, विस्तार से बहुव्रीहि आपके सामने विग्रह करके, अथवा मध्ये व्यक्तम व्यक्त मध्यम, एक और विकल्प से सप्तमी तत्पुरुष, व्यक्त मध्य व्हाट हैज बीन मैनिफेस्ट एज इट्स मिडल स्टेज, अव्यक्त निधनानी अव्यक्त निधन इति सामासिक विशेषण नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन, न व्यक्तम अव्यक्तम नहीं तत्पुरुष, अव्यक्तम एव निधनम यस्य तद अव्यक्त निधनम, बहुव्रीहि समास। निधनम क्या है इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करते हैं। नि उपसर्ग पूर्वक धन धातु है जो कि परस्मैपदी उपाधि में है, धन का मतलब टू साउंड टू मेक साउंड, इस अर्थ में निधन नॉट टू मेक साउंड, ध्वनि भी एक
ध्वनि साउंड को हम बोलते हैं, ये धन से ही बनेगा ध्वनि। धातु तस्मात नपुंसक लिंग नाम निधन, स्टेट ऑफ नॉट मेकिंग साउंड, डेथ, जब चेतना चली गई तो शरीर में कोई साउंड नहीं रहेगी, निधन हो गया माने अब कोई ध्वनि नहीं आएगी, कोई साउंड नहीं होगी। तस्य प्रथमा विभक्ति एक वचन, नी न निधनम, नी न धनम इति निधनम, नहीं तत्पुरुष, नी का अर्थ जो सफिक्स है उपसर्ग है उसका नेगेटिव अर्थ में, न धनम निधनम जो धन नहीं होता, नहीं तत्पुरुष। डिक्शनरी गिव्स मैनी डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ द वर्ड धन, धन मीन्स साउंड, निधनम मीन्स स्टेट व्हेन साउंड ऑफ हार्ट बीट इज नो मोर प्रेजेंट, धन मीन्स वेल्थ, वेल्थ के लिए भी हम धन है, धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारि जना श्मशाने आत्मानुगो गच्छति जीव एक, धर्मानुगो गच्छति जीव एक, इस तरह से नीति का श्लोक। निधनम डिवॉइड ऑफ वेल्थ ब्रेथ इज ट्रू वेल्थ ऑफ लाइफ, इन उर्दू देर इज ए सेइंग, उर्दू में एक कहावत है, जान है तो जहान है, होल वर्ल्ड इज मीनिंगफुल ओनली इफ देर इज लाइफ। और एक और कहावत अभ्यंकर साहब कह रहे हैं ऑल्सो, सिर सलामत तो पगड़ी 50, वन कैन वियर मैनी डिफरेंट कैप्स एंड क्राउन्स ओनली इफ द हेड इज इन इट्स प्लेस बोथ फिजिकली एंड इंटेलेक्चुअली। धन पॉजिटिव क्वांटिटी इन द मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, निधनम नल सेट। अव्यक्त निधन वॉट हैज नॉट बींग मैनिफेस्ट एज इट्स डेथ, भवंति बहुत सरल है, हम कई बार पढ़ चुके हैं, भवति भवता भवंति, लेकिन भू धातु परस्मैपदी वादिगण में टू बी उसका लट लकार वर्तमान काल प्रथम पुरुष बहुवचन। परिदेवना शिकायत के अर्थ में परि उपसर्ग है, दिव धातु है जो कि उभयपदी है और वादि में पठित है, वादि में परस्मैपदी है लेकिन चुरादि में यह उभयपदी है। टू ग्रीव अपान यानी दुखी होना या शिकायत करना, टू लेमेंट पश्चाताप करना, पछतावा होना, ये परिदेवना, उसमें क्या पछतावा करना। तस्मात स्त्रीलिंग नाम परिदेवना, ग्रीफ लेमेंट। तस्य प्रथमा विभक्ति एक वचन, का तो किम, किम शब्द का पुल्लिंग में कह कऊ के, स्त्रीलिंग में का के का, नपुंसक में किम के का, नहीं मैंने आपको बता दिया। वॉट सर्वनाम स्त्रीलिंग, तस्य प्रथमा विभक्ति एक वचन, भवेत भू धातु परस्मैपदी, भवेत टू बी, विद्यर्थक ये विधिवाचक जो है लिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अब ट्रांसलेशन में संक्षेप में, भारत भूतानी, हे भारत भूतानी अव्यक्तादीनी व्यक्त मध्यानी अव्यक्त निधनानी एव भवन्ति, अन्वय हमने पढ़ा। ओह अर्जुना, यू हु इज बोर्न इन द लाइनेज ऑफ भारत, भरत, ऑल बींग्स आर हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉट बींग मैनिफेस्ट एज देयर बिगिनिंग, आर मैनिफेस्ट इन द मिडल स्टेज एंड हैव नॉट बींग मैनिफेस्ट एज देयर डेथ, परिदेवना तत्र का भवेत, वॉट लेमेंट शुड देन बी देयर। इसमें अनुष्टुप छंद है जिसका लक्षण हम कई बार पढ़ चुके हैं। अंत में इट इज ए ग्रेट कंसेप्ट प्रोफाउंडेड हियर सजेस्टिंग दैट लाइफ इज बट द मिडल स्टेज ऑफ बींग मैनिफेस्ट, इन बिटवीन टू स्टेजेस ऑफ नॉट बींग मैनिफेस्ट, लाइफ इज दस ए मेयर ट्रांजिशन। Speaking of transition between two phases, it comes to mind that since 1967, the International System of Units, SI जिसको बोलते हैं, has defined the second as the duration of 9192631770 cycles of radiation. ये संख्या को आप मेरे ख्याल से अरबों में जाएगी, रेडिएशन के लिए एक सेकंड में इतनी जो है ये ड्यूरेशन गिना गया है, कॉरस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन बिटवीन टू एनर्जी लेवल्स ऑफ द सीशियम 133 एटम। अभ्यंकर साहब का ये अध्ययन है और उन्होंने दिया है कि किस प्रकार से जो दो मध्य वाली बात कहे तो मध्य क्या, और यही प्रसंग रामचरितमानस में जब सीता परिणय से पूर्व राम धनुष का भंग करते हैं, यही मध्य राम धनु तोड़ा, राम ने धनुष का कैसे उसको भंग किया, बहुत
किसी को पता नहीं चला, तो ये वैज्ञानिक जो विश्लेषण होता है कि क्षण में जो मध्यता है पता नहीं चल सकता है, इतने साइकल्स आते हैं. इट इज सेड दैट लाइफ इज बोर्न राइट एट द टाइम्स ऑफ इट्स बर्थ विथ एन अलॉटमेंट ऑफ सर्टन नंबर ऑफ ब्रीथ्स. इज नॉट द वर्ल्ड निधन सो इंटरेस्टिंग? द वर्ल्ड परिदेवना इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग. ए मोर कॉमनली नॉन वर्ल्ड इज वेदना, मीनिंग पेन. पेन कैन बी फिजिकल, हाउएवर परिदेवना इज प्राइमरली मेंटल और साइकोलॉजिकल. मच ऑफ दीज आर्ग्यूमेंट्स चैलेंज द कंटेंशंस ऑफ अर्जुना इन द सपोर्ट ऑफ दिस हिज मेलंकली. तत्र का परिदेवना इज ए चैलेंज टू द कंटेंशंस ऑफ अर्जुना. चैलेंजिंग वंस कंटेंशंस इज भेद नीति और बुद्धि भेद. बुद्धि का बिगड़ जाना या उसमें भेद आ जाना उसको कहते हैं. इस प्रकार से हमने इस श्लोक को देखा. सांप्रतम कालः पूर्णताम याति आयाति इति कृत्वा शुभमस्तु. नमस्कारः, धन्यवादः.